अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे और मुझे दुआ में याद रखे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शुमायरा कमर और आप देख रहे हैं शुमायरा कमर व्लॉग्स। ओके जी, आज शुमायरा क्या लेकर आई आपके लिए? आज जो शुमायरा लेकर आई है वो हांडी के मुतल्लिक बात है। ठीक है, हांडी, हांडी में हम लोग खाना बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग। मैंने बनाना स्टार्ट किया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे हांडी में खाना बना के कैसा लगा। और यकीन माने कि किसी चीज़ का मतलब जवाब ही नहीं, हांडी के आगे किसी चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है। हांडी में इतना कोई लजीज खाना बनता है, इतना कोई टेस्टी खाना बनता है कि आपको मसालों की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रा फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। मतलब हांडी का एक अपना ये अलग सा फ्लेवर है। तो मैंने हांडी में 2 से 4 चीज़ें ट्राई की हैं अभी तक। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं कुकर और कढ़ाई और नॉन स्टिक के बर्तन को ही प्रेफर करती थी, पर अब जो है मैंने हांडी में खाना बनाना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी जाएँ और इस वीडियो में चेक करें कि हांडी में मैं खाना कैसे बनाती हूँ और कितना वो टेस्टी बनता है। चलें जी, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें एक आदित हांडी चाहिए। ठीक है, हांडी जो है हमने काफ़ी देर पहले चढ़ा लेनी है क्योंकि गांव देहात में जो चूल्हे, लकड़ियाँ और अंगार, कोयला, ये सब कुछ होता है। यहाँ पर हम लोगों को हांडी जो है चूल्हे पर काफ़ी देर पहले चढ़ा लेनी है ताकि गर्म हो जाए हांडी। हांडी को सबसे पहला काम जो है ना गर्म करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से जब हांडी गर्म हो जाए, इसमें मैंने डाल दिया घी। आप अपनी मर्ज़ी से बटर, ऑयल कुछ भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करा और घी को जो है मैं मेल्ट कर दूँगी अच्छे से। ठीक है, और घी जो है मैंने गर्म हांडी में डाला है, ठंडी हांडी में नहीं डाला। मेरे साथ पहले भी हादसा हो गया था, मैंने ठंडी हांडी में मतलब ऑयल घी डाल देती थी तो क्या होता था, हांडी चूस लेती थी। तो इसलिए मैं हांडी को गर्म करके फिर उसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देसी घी नहीं है, नॉर्मल जो डालडा होता है वो घी है, वो मैंने इसमें शामिल करा। और जैसे मेल्ट होता है फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि यार कम है या ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं बार बार थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करूँ, डाल दें उसमें शामिल करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज शामिल कर लेना। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा प्याज और प्याज साबुत जाएगा। कुकर में तो आप चूरा चूरा करके थक जाएंगे, लेकिन देखिए हांडी का कमाल, इसमें आलू जाएंगे। आलू जो है मैंने 2 से 3 लिए हैं, वो कट करके डलेंगे। और टमाटर जो है टमाटर इसी तरह 2 पीस करके और ये डलेंगे। अब यहाँ पर हो गया प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन होने, हल्का सा पिंकिश करना है, नॉट ब्राउन। सॉरी, अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ऐसे बट्टे पर पीस लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा चूरा नहीं किया था, हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, और गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया क्योंकि हड्डी वाले गोश्त को मैं ट्राई करना चाह रही थी कि हांडी में कैसा टेस्ट आएगा, और बहुत ही जबरदस्त वाला टेस्ट आएगा और महंगा मज़ा आ गया। अच्छा जी, खैर बाद में मज़े लेंगे, पहले हम गोश्त को जो है अच्छे से इस ऑयल और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छा सा भून लेते हैं। ठीक है, जब हमारा गोश्त भून जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये देखें गोश्त हमारा भुन चुका है, गोश्त ने अपना पानी जो छोड़ लिया। अब इसमें हम जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे और वो है टमाटर। टमाटरों का हम लोगों ने बहुत बारीक नहीं काटना और बहुत मोटा भी नहीं, बस एक टमाटर में से मैंने 2 पीस किए और उसी तरीके से शामिल कर दिए। बाद में जो है ये खुद ही इसके अंदर ही घुल मिल जाएंगे। ठीक है, अब शामिल करेंगे आलू और प्याज। आलू और प्याज जो है मैंने यहाँ पर एक आलू में से 4 पीस कर लिए हैं और प्याज जो है मैंने छोटे वाले लेके साबुत ही शामिल कर लिए। प्याज में से मैंने कुछ भी नहीं किया, प्याज में हल्की सी हाँ लाइन्स जो है ना ड्रॉ करी थी और मैंने प्याज को कट शट नहीं करा है, साबुत ही मैंने प्याज शामिल की है। इसमें 3 से 4 मैंने प्याज साबुत शामिल की है और 2 प्याज जो है मैंने स्टार्ट में शामिल करी थी। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से भुन लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी चम्मच ढब 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 इतनी शोर। ओके जी, अब इसके टाइम पे हम डालेंगे सौंठ। सौंठ जो है अदरक का पाउडर है, वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद पर्सनली गोश्त में सौंठ बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग मत डालें। सौंठ जो है अदरक का सूखा पाउडर होता है, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो यहाँ पर ये मैं शामिल कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी और लाल मिर्च। हल्दी जो है मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ की है और लाल मिर्च जो है मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून शामिल किए। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि जैसा मैंने बताया वैसा ही आपने शामिल करना।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है सब चीज़ें शामिल होगी। और दूसरी बात, नमक आई थिंक मैंने फर्स्ट पे ही शामिल कर दिया था, नमक मैं बताना भूल गई। जिस टाइम पे नमक आई थिंक ऐड कर रही थी तो कैमरा ऑफ था, नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ऑयल ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से हमने इसको भुनते रहना, डायरेक्ट पानी नहीं इसमें जो है शामिल करना। अब जो है ये टमाटर, इनके छिलके अलग हो चुके हैं, इसके ऊपर से स्किन अलग हो गई है। तो अब जो है हम कोई चिमटा या कोई कुछ भी चीज़ ले लेंगे जिससे हम टमाटर के छिलके जो हैं अलग कर लें। तमाम टमाटर के छिलके जो हैं हम उतार लेंगे, क्योंकि ये आप हांडी हो या कुकर हो किसी भी चीज़ में ये गलते नहीं हैं, और ये मुँह में आते हुए बड़ा मतलब अजीब सा टेस्ट देते हैं। तो इस वजह से मैं जो है छिलके उतार लेती होती हूँ। अगर मुझे वैसे भुनना हो तो फिर नहीं उतारती, अगर इस तरीके से गोश्त बनाना हो तो फिर मैं उतार लेती होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है तमाम छिलके मैं अच्छे से उतार लूँगी। और जब तक मैं छिलके उतार रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोग नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ओके जी, यहाँ पर स्किन जो है तमाम टमाटर की मैंने उतार ली है, और उसके बाद 5 से 10 मिनट भुनने के बाद गोश्त की ये शक्ल है। देखें जी कितना कोई यम वाला इसका जो है लुक आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी जो है मैंने तकरीबन 3 गिलास आई थिंक शामिल किए होंगे, 3 गिलास पानी शामिल किए होंगे, लेकिन पानी को मैंने गर्म कर लिया था। ठीक है, अब इसको कवर लगा कर पका लेंगे, और उसके बाद लास्ट लुक।